को हिमानी का और शाइनी हिमानी ब्लॉग्स में सबका स्वागत है एक बार फिर से। तो आज ही एक और हम चैलेंज लेने जा रहे हैं। इससे पहले भी एक चैलेंज हुआ है, वो अभी तक आ गया होगा। तो इसमें क्या करना है बताएंगी दीपिका। सो गाइस, अब हम लोग चैलेंज करने वाले हैं हु इज मोर लाइकली टू। हमने कम से कम 20 क्वेश्चन प्रिपेयर करे हैं जो हम ऑल्टरनेटिवली पूछे जाएंगे एक दूसरे से, और हमें एक दूसरे के हमने अपनी शीट्स पे नाम लिख लिया है दीपिका और हिमानी, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से हमें उसका आंसर देना होगा। चलो, अब डिले करने से अच्छा है हम लोग जल्दी से स्टार्ट करें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who is more likely to bunk classes at school time? Obviously. मैं ही करती थी obviously, पर मैंने school bunk नहीं करा कभी भी। College bunk किया? No. तो क्या bunk किया? Only classes. चलिए next question की ओर चलते हैं। Who is more likely to cook? Raw food means कच्चा पक्का खाना कौन बना के खिलाता है? तो ये हमारे चंचल। अच्छा, मैं कब बनाती हूँ? मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ। ये बनाती है, इसकी कभी कुछ कम हो जाता है। I am bad in cooking. आज ही सुबह इसने मेरे को फोन करा, कह रही चने की दाल में ना वो डाल दियो नमक थोड़ा सा। क्या है ये? ये सुबह चली गई अपने स्कूल। तो आप सुबह का एक्सपीरियंस है दिस, ऐसा सभी कहते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज मोर लाइकली टू लाफ ऑन रैंडम थिंग्स? ऑब्वियसली व्हाट इज यस, अभी देख लो, अभी हंसने आ रही है, उतनी ऐसी करती रहती है, बिना कोई बात के हंसती रहती है। इसकी इसके बेटे से पूछ लो, मम्मी ऐसी हंसती रहती है ना पूरे दिन? नो, चमचा है इसका, मेरा आ रहा है, चमचा है इसका, चमचा। तो इसका आंसर है मनी। नो, नेक्स्ट इज हु इज मोर लाइकली टू स्पेंड मोर मनी ऑन स्टूपिड थिंग्स? स्टूपिड थिंग्स, स्टूपिड थिंग्स, मेरे दिमाग में तो बस जूतियां आ रही हैं। 1 2 एक मिनट रुक ना, रुक जाओ। 1 2 3 ये थोड़ा ट्रेड प्रॉब्लम है हमारा मम्मी से, पर मैं इतना ही लड़ती बिना कोई रीजन के, अपने हक के लिए, पापा ने सिखाया। चलो नेक्स्ट इज हु इज मोर लाइकली टू फियर फ्रॉम स्मॉल थिंग्स? फियर कि छोटी मोटी सिचुएशन में जो घबरा जाता है, जो डर जाता है, ऑब्वियसली ये तो किसी से डरने वाली है नहीं, तो सेकंड ऑप्शन इज मी। हिमानी ये बहुत घबराती है, इसका सब कुछ लो हो जाता है, सब कुछ लो ऐसे हो जाती है बिल्कुल, हो अब क्या करें। फिर तो इसको हमें दवाइयां देनी पड़ती है। ये शेर बच्चा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मोर लाइकली टू फॉल डाउन व्हाइल वॉकिंग? फॉल डाउन है तो गिरी है। मैं कब गिरी? अच्छा, फिसल जाती हूं। इसकी चाल है मस्त हाथी के जैसी। मैं कभी गिरी नहीं, पर मैं कभी गिरी नहीं पर फिसल जाती हूँ, तो इसलिए एक ही बात है। मैं गिरती नहीं ना, और थोड़े मेरे सेंसेस तो कंट्रोल में आ जाते हैं। चलो नेक्स्ट इज हु इज मोर लाइकली टू कैंसिल प्लान्स एट लास्ट मोमेंट? लास्ट मोमेंट दीपिका, या इसी को कुछ ना कुछ काम होता है, मेरा एग्जाम ये करती है, अब मेरा कॉलेज है, एग्जाम कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। हमने कितने ट्रिप्स किए हैं और इसके बिना किए हैं, क्योंकि इसके एक्सक्यूजेस ही खत्म नहीं होते। एक्सक्यूजेस नहीं है, मैंने एंड मोमेंट पे तो नहीं करा ना कुछ खत्म, ये करती है एंड मोमेंट पे आना वाला कर देती है। इसका एंड तक ये रहता है, हां बताऊंगी, हां बताऊंगी, हां चलूंगी। अरे ये तो मैं सबको बोलती हूं, ये मैं सबको बोलती हूं, मैं दोस्ती में इनको यही बोलती हूं, मतलब है ना। अरे यार, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज मोर लाइकली टू cry while watching a movie? cry
क्राई जो रो देता है इमोशनल मूवीज पे, कौन होता है यार? मुझे उतना ही रोना आता है जितनी बार मैं उसे देखती हूँ, इसलिए दोपहर के 12 बजे तक कौन सो सकता है? In bold fonts, it's Deepika. जब मेरा ब्रेक टाइम चल रहा होता है तब मैं सोती हूँ. भाई सब सोते हैं. मतलब जब मैं मेरे टूर्नामेंट्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, छुट्टी होती, संडे होता है. संडे इज अ फन डे. Who is more likely to be kept in a museum? ये इसको रखने क्योंकि ये दुनिया में बस एक ही है. नहीं. जिसके पास हर चीज का जवाब है, ऐसे लोगों को म्यूजियम में रखना चाहिए ना. अच्छा. ऐसा कुछ नहीं है भाई. चलो नेक्स्ट. Who is more likely to annoy our family members the most? अरे ये क्या? वो बोलते हैं ना कि छोटी सी चिंगारी आग लगा देती है, ये वो काम करती है. ऐसा हो ही नहीं सकता. मैं छोटी हूँ, मेरे भाई वगैरह सब बड़े हैं, मैं करती हूँ तो मैं पिटती हूँ, तो इसका मतलब यही हुई ना. मेरे को तो मार लगता है. मेरे सब मानते हैं. हाँ, तू परेशान करती है सबको. मैं किसी को परेशान नहीं करती, यही है. बताना अतुल भाई, इतना ही बताना. चलो कमेंट करके बताना कौन करता है. रोहित भाई बताएगा. तुम रोहित भाई को बहुत परेशान करा बचपन में. चलो नेक्स्ट. हु इज मोर लाइकली टू ट्रैवल मोर? ये तो मैं दोनों उठा दूंगा. मेरे जंक में ना सबसे टॉप पे बस मैगी होती है, तो जंक नहीं है इसकी दुनिया. मैगी से शुरू है और मैगी तक खत्म है. मैमली के मैगी मेरी एक फैमिली मेंबर. मैगी और फैमिली करके मैमली बन गया. ये क्या है, मतलब व्हाट इज दिस? चलो नेक्स्ट. हु इज मोर लाइकली टू स्कोल्ड गेट बाय द पेरेंट्स? ये तो मैं ही हूँ क्योंकि मेरे घर में ना पेरेंट्स का एस काट दो, मम्मी डांटती है बस. ये मम्मी डांटती है मुझे और कोई नहीं डांटता ज्यादा. गलती करूंगी भाई, डांट तो खानी है, पर वैसे मम्मी डांटती है छोटी छोटी बातों में. सॉरी मम्मी. हु इज मोर लाइकली टू आस्क स्टूपिड क्वेश्चंस? दिस गर्ल ये पूछती है. क्या पूछा? पूछती नहीं है. मैं पहले अपना आंसर बता. सच ये मैं तो पूछती हूँ, ये झूठ बोल रही है. सिर्फ अपना मुझे जिनके इम्पोर्टेंट लगते हैं बस वही याद रखती हूँ. चलो
हु इज मोर लाइकली टू ट्रैवल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट. ये तो मैंने ही करा सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट में. मोस्ट एक्सपीरियंस धक्के खाए इसने जनगणना में. हाँ वो सेंसस तो याद रहेगी पूरे पूरे फैमिली ने. एक बात क्या हुआ उस टाइम का बताती हूँ. मैं छोटी थी उस टाइम पे. ये ले रही जनरल इसको पता नहीं क्या हो गया वही पता नहीं मार पत्थर सा था. वहाँ लेट गई बेहोश हो गई. मेरे भाई और वहाँ जनगणना ले रही वहाँ बेहोश पड़ी हुई. मैंने क्या क्या दिन आ गए हैं वहाँ. अरे इतनी गर्मी में घर घर घूम के सेंसस करना बहुत भारी है. चलो ना लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का. Who is more likely to ask parents for pocket money? मैं कभी नहीं मांगती हूँ. Always. ये तो ये क्या ही बोलूँ मैं अपना. वो पसंद आ रहा है मुझे. पापा पापा डेकेथलॉन लेके चलो. पापा वहाँ पे बहुत अच्छी टी-शर्ट भाई मुझे मिल जाते हैं. जो मैं मांगती हूँ वो मिल जाते. पॉकेट मनी आज तक नहीं ली. एक ही बात है जुनचुन. पॉकेट मनी तुझे मिलती थी. बस में दूर दूर सफर करने के लिए मिलती थी. अब तो तू खुद ही पेरेंट्स. ये क्या है ये क्या है. हाँ ये दीपिका ही है जो भी है. चलो बंद करो. चलो चलिए. सो गाइज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं चैलेंज. आई होप आप लोगों को मजा आया. अगर आप लोग और चाहते हो नाइस वीडियोस बनाए तो कमेंट करके बताना और सजेस्ट करना कि हम कौन कौन सी ऐसी वीडियोस बनाए जिसमें आप लोगों को मजा आए देखने में. चलिए आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा. तो मिलते हैं ऐसे किसी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.